टीवी पर इंडिया के पहले सुपर हीरो शक्तिमान के किरदार को आज भी याद किया जाता है। शक्तिमान का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना को लोग आज भी उनके इस किरदार से पहचानते हैं। इसलिए कुछ महीनों पहले जब खबर आई कि शक्तिमान बड़े पर्दे पर आने वाला है और इसे लेकर एक फिल्म प्लान की जा रही है तो फैंस काफी एक्साइटेड हो गए। हालांकि इसके बाद रिपोर्ट सामने आई कि शक्तिमान में लीड किरदार निभाने के लिए रणवीर सिंह को अप्रोच किया गया है। रणवीर सिंह भी इस किरदार के लिए एक्साइटेड हैं। हालांकि उन्होंने ऑफिशियली इसे साइन नहीं किया है, मगर अब ओरिजिनल शक्तिमान मुकेश खन्ना रणवीर सिंह की कास्टिंग वाली बात पर भड़क गए हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो रणवीर के विवादित फोटोशूट को लेकर उन्हें खरी खोटी सुनाते दिखाई दिए थे। हालांकि बाद में उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। मुकेश खन्ना ने कहा था, पूरा सोशल मीडिया महीनों से इस अफवाह से भरा पड़ा था कि रणवीर करेगा शक्तिमान और हर कोई नाराज था इसे लेकर। मैं चुप रहा, लेकिन जब चैनल्स ने भी ऐलान करना शुरू कर दिया कि रणवीर साइन हो गए हैं तो मुझे मुंह खोलना पड़ा और मैंने बोल दिया कि ऐसी इमेज वाला व्यक्ति कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, शक्तिमान नहीं बन सकता। मैं अपनी बात पर अड़ गया हूँ। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। रणवीर के विवादित फोटोशूट को लेकर भी वो खफा नजर आए। मुकेश ने इस फोटोशूट के बाद विवाद में आए रणवीर सिंह का स्टेटमेंट याद किया जिसमें उन्होंने कहा था कि जब हीरोज ने शर्ट उतारी तो लोग पागल हो गए, तो मेरे पैंट उतारने पर ऑब्जेक्शन क्यों। इस बयान के लिए मुकेश रणवीर से खफा देखे। उन्होंने कहा, आप जाकर रहिए ना किसी और देश में, जैसे फिनलैंड है और स्पेन है, वहाँ कपड़े उतारने के कैंप होते हैं, घूमिए वहाँ खुलेआम, वहाँ पर फिल्मों में काम कीजिए, जहाँ पर आपको हर चीज में बिना कपड़ों के होने का सीन मिलेगा। आप उसे अपनी उपलब्धि मानते हैं। मुकेश खन्ना ने यह भी बताया कि वो बड़े पर्दे पर शक्तिमान बनने वाले एक्टर में क्या क्वालिटी देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, शक्तिमान सिर्फ सुपर हीरो डिशुम डिशुम वाला हीरो नहीं है, जैसे आप सुपरमैन स्पाइडरमैन में देखते हैं, शक्तिमान एक सुपर हीरो के साथ एक सुपर टीचर भी बन गया। मेरे साथ एक पूरी जनरेशन बड़ी हुई है। मुझे आज भी उन बच्चों के मैसेज आते हैं जो अब 30 साल के हो गए हैं कि सर आपने हमारा बचपन बना दिया। वो आगे कहते हैं कि अब वो चीज को जो एक्टर करेगा उसमें ये होना चाहिए कि वो बोले तो लोग सुने। वो क्वालिटी किसी एक्टर में है तो उसे ये रोल करना चाहिए। बड़े बड़े एक्टर हैं, उनकी अपनी इमेज बीच में आ जाती है। वहीं अब देखना यह है कि मुकेश खन्ना के बयान के बाद क्या मेकर्स रणवीर सिंह के साथ ही आगे बढ़ेंगे या किसी और एक्टर को कास्ट किया जाएगा। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।